फिल्म पति पत्नी और वो का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे अहम रोल में हैं। ये फिल्म 1974 में आई संजीव कुमार की फिल्म पति पत्नी और वो के रिमेक है। कार्तिक की फिल्म के ट्रेलर को पसंद तो किया गया, लेकिन रिमेक फिल्म की वजह से फैंस थोड़े नाराज नजर आए। खैर, 2019 बॉलीवुड में रिमेक फिल्मों के नाम हैं और 2019 में कई रिमेक फिल्में रिलीज हुई हैं और आगे होने वाली हैं। आइए बता दें आपको कि 2019 में कौन कौन सी रिमेक फिल्में रिलीज हुई हैं। सबसे पहले नंबर पर बदला आती है। अमिताभ बच्चन की बदला फिल्म में और तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आई थी। फिल्म की कहानी की बात करें तो ये एक मर्डर मिस्ट्री है। बदला 2016 में आई स्पेनिश थ्रिलर फिल्म कॉन्ट्रे टिम्पो का रिमेक है। फिल्म को काफी पसंद किया गया था। दूसरे नंबर पर आती है भारत। भाई हाँ, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म भारत साउथ कोरियन फिल्म ओड टू माई फादर का हिंदी रिमेक है। फिल्म में कैटरीना कैफ सलमान के अपोजिट रोल में थी। ये बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थी। तीसरे नंबर पर आती है कबीर सिंह। कबीर सिंह को संदीपी वांगा ने डायरेक्ट किया था। कबीर सिंह बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर उतरी थी और ये फिल्म सुपरहिट तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की रिमेक थी। फिल्म में कियारा आडवाणी लीड रोल में थी। इसके बाद चौथे नंबर पर आती है प्रस्थानम। जी हाँ, ये फिल्म साल 2010 में आई क्लच क्लासिक तेलुगु फिल्म प्रस्थानम का हिंदी रिमेक है। फिल्म में संजय दत्त लीड रोल में थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। पांचवें नंबर पर आता है उजड़ा चमन। सनिंग सिंह स्टारर फिल्म उजड़ा चमन कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई। हालांकि फिल्म को खास प्यार नहीं मिला। मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। ये फिल्म कन्नड़ मूवी ओंधु मुटिया काथे की रिमेक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छठे नंबर पर आती है ड्राइव। सुशांत सिंह राजपूत और जैकलिन फर्नांडिस की ये फिल्म हॉलीवुड मूवी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की रिमेक फिल्म है। पहले इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जा रहा था, लेकिन बाद में मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। ड्राइव को काफी बेकार रिव्यू मिले हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड से जुड़ी चटपटी खबरों के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए PMS मीडिया।